देखा कपूर जलकर खाक हो गया मगर मेरी हथेली को कुछ नहीं हुआ। बड़े पवित्र होते हैं ऐसे लोग जिनको भगवान बचाते हैं अपने चमत्कार से, लेकिन उसके बाद ऐसे व्यक्ति का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है भगवान के प्रति। अब मुझे और भी समर्पित होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि नहीं। अब यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि प्रभु के काम में, कर्मकांड में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आज तक मैं एक हाथ चूक माफ कर देता था, क्षमा कर देता था। अब जब ईश्वर ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है तो प्रभु के कार्य में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो 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 जल्दी चलो। सूरज सुबह निकलना भूल सकता है पर लक्ष्मी, लक्ष्मी द्वारका माई आना नहीं भूल सकती। साई, साई ये तुम्हारी हथेली को क्या हुआ? हो क्या होगा कुछ? ये जलने का घाव है, ये कैसे हुआ? तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। मेरा ख्याल रखने के लिए तू है तो मैं तुम्हें भी उदी लगा देती हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप गलत थे साई, मेरे पति के लिए मेरी धारणा सही थी। वो एक आदर्श व्यक्ति है, धर्म परायण है। हाँ, उन्होंने गलती की, उसका पश्चाताप भी किया उन्होंने, और उनके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि आग भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और ऐसा उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो परम भक्त हो, जिस पर महादेव की कृपा हो, जो उनका प्रिय हो, और मुझे उनकी भक्ति की शक्ति का सबूत कल मिल गया। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। देखा सुनंदा, इतनी देर तक हथेली पर कपूर जलने के पश्चात भी हथेली पर आंच नहीं आई। हाथ धो साई। ये क्या हुआ आपको? ये आपकी हथेली पर कैसा जख्म? लग गया होगा किसी की मदद करते समय। हमारा साई ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। तुम्हें कहीं नहीं जाना है और यहीं बैठकर आराम करना है, ठीक है? Thank you.
हजार के पत्तों की माला कहाँ है? ताली तो तुम्हारे हाथ में थी, तुमने देखी नहीं? पूजा स्थल है ये, गप्पे मारने की जगह नहीं है। पत्ते की माला दो। पंडित जी, वो पत्तों की माला थाली में नहीं है। मूर्खों, तुम्हें इतना तो काम दिया हुआ है कि पूजा की सामग्री मेरे घर से यहां तक ले आना, उतना भी तुम दोनों को नहीं होता? अरे तुम लोगों ने कितना बड़ा महापाप किया है पता है? आज मंदिर में महापूजा है हनुमान जी की, और तुम पत्तों की माला का क्या महत्व है हनुमान जी के जीवन में तुम्हें मालूम है? हाँ पंडित जी, जब हनुमान जी रावण से युद्ध जीतकर सीता जी के पास आए थे, तब सीता जी ने हनुमान जी का पत्ते की माला पहनाकर स्वागत किया था। उसके पश्चात भी तुम लोग भूल गए? पत्तों की माला के बिना महापूजा अधूरी है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? पंडित जी, कृपा करके गांव वालों के सामने हमसे ऐसे मत पेश आइए, हमारा भी मान है इस गांव में। मान? भगवान का अपमान करके तुम्हें मान चाहिए? अरे मैं तो सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, मगर भगवान ने तो तुम्हारी करनी पर तुम्हारे खाते में पाप जड़ दिए होंगे। सुबह ही मैंने तुम्हें कहा था, भगवान ने स्वयं मेरी पूजा स्वीकार की है, उसमें कोई चूक नहीं चाहिए, उसके बावजूद तुम लोग चूके। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प दसेंगे। बस कीजिए पंडित जी, सारी सामग्री तो हम आपके घर से ही लाते हैं, और आज तो आप खुद हमें सारा सामान दे रहे थे। जब माला थाली में नहीं थी तो स्पष्ट है आपने ही माला नहीं दी, फिर हमारी गलती कहां से हुई? ये तो आपकी गलती है पंडित जी, इसीलिए जो कुछ होना होगा वो आपके साथ होगा, हमारे साथ नहीं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पलक कर जवाब दे रहे हो, मुझे आरोपित कर रहे हो। अवश्य ही तुमने वो माला रास्ते में गिरा दी होगी, और अपना दोष मुझ पर पड़ रहे हो। तुम दोनों को तो मैं इसी वक्त दंडित करूंगा।
इसे दूर करो, ये सांप को भगाओ। कोई मदद करो पंडित जी की। अरे कोई बचाओ। हाँ, हाँ। काका? साईं, ये क्या हुआ आपको? किसने किया आपके साथ? साई, साई भाव की मदद कीजिए साई। महादेव, हे महादेव, मेरी रक्षा करना। प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र, ओम नमः शिवाय। सदाशिव जी हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान होता है। इनका सम्मान करना, इनके साथ आदर से पेश आना, इनकी सुरक्षा करना, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए दूर चले जाओ इनसे। अपने शिष्यों को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था इन्हें। इस फकीर को श्राप के बारे में कैसे पता चला? मैं मानता हूं कि इन्होंने गलत किया है, किसी पर हाथ उठाना उचित नहीं है, पर तुम जो कर रहे हो वो भी तो उचित नहीं है। तुम केवल सदाशिव जी को सजा नहीं दे रहे हो, बल्कि इनकी पत्नी को भी दे रहे हो, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी। इसलिए कृपा करके मेरी बात मानो और चले जाओ। हम ठीक हैं, हमें थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। हाँ, हम ये देख रहे थे कि पंडित जी हमें बेरहमी से मार रहे थे, लेकिन रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ हमें। राम जी भला करें, हम सब भी हैरत से देख रहे थे। जिस बेदर्दी से पंडित जी इन दोनों को मार रहे थे, हमें तो लगा इनकी खाल खींच जाएगी। बिल्कुल जैसे आपकी हालत है साईं।
हमारा साईं ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। मतलब साई सही थे, मैं ही मूर्ख थी कि अभी तक सच नहीं देख पाई। धन्यवाद साई, आपके वजह से काका की जान बच गई। असत्य है ये। अब तो आप विश्वास कर लीजिए, अभी आपके सामने आपने अपनी आंखों से देखा कि साई ने कैसे। बस महासभापति, बस करो। मैं इस फकीर को अच्छी तरह जान गया हूं। ये एक बहुत बड़ा अवसरवादी और पाखंडी फकीर है। ये संभवतः एक बहुत मंजा हुआ सपेरा भी। इसने मुझे नहीं बचाया, मेरे महादेव ने मुझे बचाया है। आप सबने देखा, जैसे ही मैंने महादेव की आराधना की वो सर्प लौट गए। और हां, जिस तरह ये फकीर उस सर्प के साथ वार्तालाप कर रहा था, आदेश दे रहा था, उससे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुष्ट सर्प इसी ने मुझ पर छोड़ा है। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं पंडित जी। हम सब ने देखा कि यहां क्या हुआ। साई ने आपकी रक्षा की है, उन्होंने ही बचाया है आपको। गलत है ये। ये फकीर धूर्त है, महाधूर्त। वो तो मेरे महादेव ने मेरी हमेशा रक्षा की है, इसलिए मैं हर संकट से बच जाता हूं। और कल भी यही हुआ था मेरे साथ। पंडित जी, कल की घटना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आज जो आपके साथ हुआ है वो हम सब ने देखा है और वही सच है। वो कोई मामूली सांप नहीं है, वो वीरभद्र है, वो एक पवित्र सांप है। साई ने इससे पहले भी कई मौकों पर वीरभद्र से बात की है और वो साई की बात कभी टालता नहीं है। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साई की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? ये साधारण फकीर है, कोई भगवान नहीं है जो तुम लोग इतना इसको सर पे चढ़ा रहे हो। अरे तुम लोगों को तो मेरे प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। तुम इस अज्ञानी को सर पे चढ़ा रहे हो, भगवान मान रहे हो। और ये केवल आज की घटना नहीं है, पहले भी तुम लोगों ने देखा है। भगवान की मुझ पर कृपा है, आशीर्वाद है उनका। चलो माना साई ने सर्प से कहा और वो चला गया, लेकिन इससे पहले जब भगवान ने स्वयं चमत्कार करके मेरी रक्षा की, तब उसे क्या कहेंगे आप लोग? शनिवार की बात ले लीजिए, जब भोग का प्रसाद समाप्त हो गया था, तभी अचानक
एक व्यक्ति भोग लेकर मेरे पास आ गया, उसे क्या कहेंगे आप? उस समय महादेव ने मेरी सहायता की थी। नहीं, आपकी सहायता महादेव ने नहीं की थी।